हे गाइस वेलकम दोस्तों, रेडमी नोट 11 सीरीज उसी तरह पॉपुलर रहेगी जिस तरह रेडमी नोट 10 सीरीज पॉपुलर रही थी। तो बेसिकली आज मैं आपको रेडमी नोट 11 सीरीज के सबसे हायर स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, जी हां मैक्स के बारे में। दोस्तों नोट 10 प्रो मैक्स के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा 120 हर्ट्ज के साथ में सुपर एमुलेट डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिले थे, बट वहाँ पर जो कमी थी वो थी 4G परफॉर्मेंस आपको मिला था। तो इस फोन में 4G से 5G में काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया जाएगा, साथ में दोस्तों और भी फीचर्स में आपको काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों कुछ टाइम पहले नोट 11 प्रो मैक्स स्मार्टफोन का टीजर लीक किया गया था, जहां पर बताया गया था कि इस फोन में आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस फोन के बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्या क्या आपको फीचर्स मिल सकते हैं, क्या प्राइस हो सकती है और ये कब तक लॉन्च होने वाला है। तो एक्सपेक्ट के तौर पर आपको बताऊंगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। इसके प्रोसेसर को लेकर काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया जाएगा 10 प्रो मैक्स के कॉम्पेयर। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का कोई 5G चिपसेट मिल सकता है। एक्चुअल में कंफर्म तो नहीं है कि आपको कौन सा मिलेगा, बट जहाँ तक लगता है कि स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का कोई 5G चिपसेट आपको इस फोन में दिया जाएगा। लाइक दोस्तों स्नैपड्रैगन 778G या 768G या फिर स्नैपड्रैगन 870, कोई सा भी आपको पावरफुल चिपसेट इस फोन के अंदर मिल सकता है। ये दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अभी ऑफिशियल कन्फर्म नहीं हुआ है। दोस्तों इस फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप लोग इस टीजर से देख सकते हो, इसका जो बैक पैनल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिजाइन के साथ आएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको ग्लास दिया जाएगा ग्लॉसी फिनिश के साथ, और इसका जो अनदर वेरिएंट आ सकता है उसमें आपको मैट फिनिश भी मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, LED फ्लैश मिल जाएगी और रेडमी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। दोस्तों इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा सेंटर पंचोल के साथ। और जैसा आपको पता है जो Redmi सीरीज के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च किए जाते हैं सभी सेंटर पंचोल के साथ ही आते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांस है कि सेंटर पंचोल के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। ये डिस्प्ले दोस्तों 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करेगा, HDR 10 प्लस का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इन फ्रंट कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 आपको मिलने वाला है। बट दोस्तों तो इसमें जो टीजर में शो किया गया है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो इसके बारे में अभी जानकारी तो नहीं है, बट लगता है कि इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके कैमरास के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको बैक में ट्रिपल कैमरास दिए जाएंगे। इसका जो मेन सेंसर है ना वो दोस्तों अकॉर्डिंग टू लीक्स 200 मेगापिक्सल का शो किया जा रहा है, बट दोस्तों यहां पर मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलेगा। यहां पर जो स्ट्रांग चांस है वो यही है कि आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल सकता है, साथ में आपको एक अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा एंड माइक्रो लेंस मिल जाएगा। सेल्फी के लिए दोस्तों आपको 20 मेगापिक्सल या फिर 32 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी मिल जाएगी। दोस्तों इस फोन की बैटरी के बारे में बात करूं तो इस फोन में आपको अराउंड 5000 mAh की बैटरी मिल सकती है, लगभग 5000 mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी। साथ में दोस्तों 67W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, जो कि चाइना के अंदर जो Redmi Note 10 Pro 5G गया था ना उसमें 67W का चार्जर दिया गया था, तो Xiaomi ने इसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया है और हो सकता है ये चार्जर आपको नोट 11 सीरीज के स्मार्टफोन में भी दिया जाए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। इन द बॉक्स आपको ये चार्जर मिल सकता है। साथ में दोस्तों आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, फेस अनलॉक मिल जाएगा, आयर ब्लास्टर, कैमरा 2 API वाइड 1 L1, ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और दोस्तों इसमें आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन की प्राइस की, तो फीचर्स के अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है वो लगभग 25,000 रुपये रहने वाली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इन्हीं फीचर्स के साथ आता है तो लगभग 25,000 रुपये की प्राइस पर आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों लॉन्च डेट की बात करूँ तो Xiaomi के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए Redmi सीरीज के अंदर दो नोट सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च करता है हर साल, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन आपको अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में देखने को मिल सकता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।